अक्सर चमका चमका के तो हम लड्डू और तितली को स्कूल के लिए रेडी करते थे। दादी माँ एक पसंद भी खुश हो जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। मेहमान आते ही होंगे, हम भी रेडी हो जाते हैं। ओहो, दादी माँ आप ठीक तो है ना? हाँ हम तो ठीक हैं, लेकिन मेहमानों के आने के पहले अगर ये साफ नहीं हुआ तो ठीक नहीं लगेगा ना। हम साफ कर देते हैं। हो गया। दादी माँ घर कैसा लग रहा है? नानी अनु मैं कैसी लग रही हूँ? सबसे सुंदर एक तू ही तो है जिसे देखकर हमारे दिल को चैन आ जाता है। सब मेहमान आ जाएं, फिर पार्टी शुरू करते हैं। अनु ये क्या किया तूने? सॉरी नानी, वो मैं आ रही थी तो सॉरी। कोई बात नहीं बच्चे, मिश्री है ना, साफ कर देगी। मिश्री जी। दादी माँ रह गया। क्या कर रही है? आंखें बंद करके कर रही है क्या? अनु! अरे बाप रे, तू तो बहुत जोर से गिर गई। आंखें बंद करके चलती है क्या? हे भगवान, चलो चोट तो नहीं आई तुझे? नहीं नानी, मैं ठीक हूँ।
चोट तो आज सबके सामने इस मिश्री के गुरूर को लगेगी, ऐसी चोट जिससे ये रिकवर ही नहीं कर पाएगी। मेहमान आने का समय हो गया है। ए लड़की, सुनाई दिया? चल जल्दी जल्दी हाथ चला। रानी जल्दी चल, देखे तो हमारी बहुरिया कैसी लग रही है। चल के देखे, हम नहीं देखना चाहते कि मिश्री कैसी लग रही है। ये क्या कर रही है मिश्री? बहुरिया, मिश्री, मिश्री बेटा, बहुरिया, ये तू क्या कर रही है? नौकर चाकर नहीं है क्या? तुझे किसने बोला ये करने के लिए? छोड़ ये सब और तू जा, जाके तैयार हो। उठो बहुरिया, उठो। अरे तुम काहे कर रहे? उठो, चलो चलो। नमस्ते मासी जी। जल्दी से सारे दाग खत्म कर दे लड़की। आइए आइए, मिसेस गुप्ता आपका स्वागत है। अनुराधा कैसी हो बेटा? एकदम बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। भाई आजकल भगवान मिल जाते हैं ढूंढने से, लेकिन घर में काम करने के लिए अच्छे नौकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सुबह से लगी हुई है, अभी तक इसका काम खत्म नहीं हुआ।